आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का फोर्थ ग्राफ देखेंगे जो कि है वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, कोसेक एक्स। हमें पता है कि कोसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का अपोजिट होता है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक एक्स की जो वैल्यू होती है वन अपॉन साइन एक्स होती है। तो देखो, अगर मुझे कोसेक एक्स का ग्राफ निकालना है तो सबसे पहला पॉइंट मुझे ये याद रखना चाहिए यहां पर कि साइन एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो। वन अपॉन जीरो की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ध्यान रखना, दुनिया में अगर किसी भी नंबर के नीचे डिवाइड में अगर जीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो कि अनडिफाइंड है, जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो कोसेक एक्स की जो वैल्यू होती है वन अपॉन साइन एक्स होगी, यहां पर साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स यहां पर साइन एक्स जीरो कब होता है, जब हम एक्स की जगह एन पाई लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू इधर एन पाई नहीं लिखना चाहिए। अगर हमने एन पाई लिख दी तो उन वाले पॉइंट्स पे ये कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ही बिल्कुल इसका उल्टा होगा। सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। अगर आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के ग्राफ आने चाहिए। सबसे पहले अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो याद रखो, आपको अपनी मैथ्स में ग्राफ सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लो सारे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ, एल्जेब्रिक फंक्शन के ग्राफ, साइन एक्स के ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री के सारे टर्म्स के ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ, लीस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ, एक बार इनकी डोमेन रेंज क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं, कहां पर कौन सा डिफाइन होता है, कौन सा नहीं होता है, पीरियडिक कौन सा होता है, नॉन पीरियडिक कौन सा होता है, किसका किस ग्राफ का कितना टाइम पीरियड होता है, और फंक्शंस क्या होते हैं, इवन फंक्शंस क्या होता है। एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आ गए तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप कहीं पर अटक रहे होंगे, आपको ग्राफ याद होगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे। मैं आपको ग्राफ की सारी सीरीज ला कर दूंगा और आप एक एक क्वेश्चन बहुत इजीली देखकर ही सॉल्व कर पाओगे। अब सबसे पहले अगर मुझे कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे उसमें सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कोसेक एक्स का जो ग्राफ है वो साइन एक्स के ग्राफ का उल्टा होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने किया, ये था साइन एक्स का ग्राफ, ये जीरो जीरो ओरिजिन पॉइंट को हमेशा, दुनिया में कोई भी चीज हो ओरिजिन मतलब जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो हो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो। हम टू डी ज्योमेट्री की बात करें तो मतलब दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है। अगर मैं ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ चलूं या मैं बोलूं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलूं तो यहां पर पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज मिलती हैं। अगर मैं वेस्ट की तरफ चलूं या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ चलूं ओरिजिन से तो यहां पर एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अगर मैं नॉर्थ की तरफ चलूं ओरिजिन से या फिर वहां पर जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और अगर मैं साउथ की तरफ चलूं तो वहां पर जितनी वैल्यूज होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की होती है। तो मुझे पता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है जीरो से लेकर पाई, ये जो एक लाइन है, ये जो एक रिंग है, बैल है, घंटा है, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो पाई होती है। तो ये पहले पाई ऊपर गया फिर पाई नीचे गया। सिमिलरली अगर मैं जीरो के इस तरफ नेगेटिव में चलूं तो ये पहले पाई ये नीचे गया फिर पाई ये ऊपर गया। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। तो कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो ये उठा वाला पोर्शन है उसको बस पलट देना है, आपको जहां जहां पर जो उठ रहा है वहां वहां पर पलट देना है। जैसे ये नीचे उठ रहा है तो नीचे इसको पलट दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव में यहां पर उठ रहा है तो इसको जब हम इसको पलट देंगे तो ये पलटने के बाद ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसमें नीचे वाली बेल को अगर मैं पलट दूंगा, पलटने का मतलब है ऐसे पलट देना, इस वाले ग्राफ को इस तरीके से पलट देना, तो ये ग्राफ पलट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। क्यों पलट रहे हैं हम, क्योंकि मुझे पता है कोसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का उल्टा है, तो जो ये साइन एक्स का ग्राफ था उसे उल्टा करना है बस। ये वाले जो बेल है, इस वाली बेल को मैंने पलट दिया, पलटने के बाद ये ग्राफ ऐसा हो गया। तो ये ग्रीन वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं, बीच वाला पोर्शन हट जाएगा, जो बचा हुआ ग्रीन वाला पोर्शन है वो वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ है। और याद रखना बच्चों एक पॉइंट, कि कभी भी ये जो ग्राफ है इन जो एक्सेस है इन पर टच नहीं होता। टच क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहां पर साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, साइन एक्स वैल्यू कहां हो रही है, जीरो पे हो रही है, जीरो पाई पर हो रही है, टू पाई हो रही है, जहां पर एन पाई पर साइन एक्स वैल्यू जीरो हो गई तो कोसेक एक्स कहां हो रहा है, इन्फिनिटी। तो याद रखना कोसेक एक्स का कभी भी ग्राफ इन जो वर्टिकल प्लेन से इन पर कभी टच नहीं होता। टच क्यों नहीं होगा, टच होते ही इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी जो कि नहीं है पॉसिबल। तो अब मुझे यहां पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और जाननी है, जो मुझे पता चल जाएंगी तो मेरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो ड्यूरेशन होती है वो पाई होती है, याद रखना। तो कोसेक एक्स भी एक कैसा फंक्शन हो गया, पीरियडिक फंक्शन हो गया, और ये भी क्या करेगा, पहले एक इधर बेल बनाएगा पॉजिटिव वाली, फिर एक नेगेटिव की बेल बनाएगी, जो नेक्स्ट बेल आएगी वो इधर आएगी, तो ये भी एक पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा। तो देखते हैं इसका पॉइंट क्या है, कि वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड टू पाई, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। ऐसे फंक्शन जो अपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसे होते हैं वो ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे ये ओरिजिन पे खड़े जाओ, ओरिजिन के अपोजिट क्वाड्रेंट देखो, ये दोनों तो ओरिजिन के अगल बगल के क्वाड्रेंट हो गए, ये दोनों अगल बगल के हो गए, ये दोनों अगल बगल के हो गए ओरिजिन के, ये दोनों अगल बगल के, लेकिन ये दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट है। ऐसा फंक्शन जो अपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसा हो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। और जो वाई एक्सेस या वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसे वाई एक्सेस है इसके इस तरफ और इस तरफ एक जैसा होगा, वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। या फिर ऐसा समझ लो, जो फंक्शन वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है वो फंक्शन इवन फंक्शन नहीं है।
अब देखते हैं डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है हमेशा एक्स एक्सिस पे आने वाली वैल्यूज, एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो डोमेन होती है, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज होती है वो रेंज होती है। तो देखो एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज मिल रही है इस वाली फंक्शन को, एक्स एक्सिस पे देखो इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रही है वैल्यूज, इधर भी वैल्यूज मिल रही हैं, इधर भी मिल रही हैं, लेकिन इन इन पॉइंट्स पर एक्स की वैल्यूज, इन एक्स की इन इन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि गैप आ रहा है। देखो गैप कैसे, सपोज करो तुमने एक्स की ये वाली वैल्यू रखी, इस वाली वैल्यू रखने पे जो वाई की वैल्यू फंक्शन पे वाई की जो वैल्यू वो ये कहीं टच ही नहीं हो रही, कहीं इन्फिनिटी जा रहा हो तो मुझे पता ही नहीं है। तो हम इन वाले पॉइंट्स को छोड़कर सारे पॉइंट्स पर एक्स की वैल्यूज मिल रही है, तो डोमेन जो हो जाएगी ये सारे के सारे जो नंबर है रियल नंबर है, एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर होंगे। बस उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हटा दूं, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, ऐसी नेगेटिव के माइनस जीरो माइनस पाई माइनस टू पाई, तो मैं इसकी डोमेन को ऐसे लिख सकता हूं कि जीरो में ऑल रियल नंबर में से जीरो प्लस माइनस का पाई प्लस माइनस का टू पाई ऐसे हटा दो, या फिर इसको कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं एन पाई हटा दो, और इसका मतलब होता है सच दैट, ऐसा मैं डिफाइन कर रहा हूं, और एन यहां पर इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और जो ई टाइप का जो गोल सिंबल होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये आर बोलते हैं रियल नंबर्स को, और रेंज होती है वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। तो देखो फिर से चलते हैं आप, वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए, तो देखो ये जो कॉसेक एक्स का फंक्शन है वो इस वाले पीरियड में है ही नहीं है, वन से ऊपर ये जो वैल्यूज होती है ये वन होती है, याद रखिए ये जो वैल्यू होती है वो प्लस वन होती है और नीचे जो वैल्यू होती है माइनस वन। तो देखो कोसेक एक्स का जो फंक्शन है वो इधर माइनस वन से नीचे है, उधर प्लस वन से ऊपर है, क्या वन वाली वैल्यूज मिल रही है इस पे? हाँ मिल रही है। तो देखो रेंज में इसकी जो रेंज है, रेंज मतलब वाई एक्सिस की जो वैल्यूज है वो ऑल रियल नंबर में से क्या करूं मैं माइनस वन से वन तक की वैल्यूज को हटा लूं, या फिर ऐसे लिख दूं कि माइनस इन्फिनिटी से वन तक की वैल्यू ले लूं, फिर वन से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यू ले लूं, तो इसकी रेंज हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। अब ये क्या है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब जो भी कोसेक एक्स की रेंज है, कोसेक एक्स जो है ये कोसेक एक्स फंक्शन है, अगर मैं सपोज करो इस पर्टिकुलर कोसेक एक्स के पीरियड की बात कर रहा हूं जीरो से पाई तक, तो जीरो से पाई तक ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, इस डोमेन में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी जहां जहां पर ये फंक्शन डोमेन दे रहा है वैल्यूज डिफाइन एक्स की, उस फंक्शन में उस टाइम इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये फंक्शन मेनी वन है या वन वन, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको एक ही याद रखनी है, अगर क्या कोई भी ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ में आप ये एक्स एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ कर ली, अगर वो लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करे तो फंक्शन वन वन फंक्शन होता है, और अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे तो वो फंक्शन मेनी वन होता है। सपोज करो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो लाइन है इस ग्राफ कितनी बार कट करी है, दो बार, एक से ज्यादा बार कट करी है, एक बार यहां पर कट करी है, एक बार यहां पर कट करी है, तो ये दो बार कट कर दिया तो ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन हो गया। अगर यही लाइन सिर्फ एक बार इस ग्राफ को कट कर रही होती तो ये वन वन फंक्शन हो जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड माई चैनल।